दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने अपने लाजवाब गेंदबाजी से पहले टेस्ट मैच को केवल 3 दिन में खत्म कर दिया और बांग्लादेश को चटाया हार का स्वाद। तो बांग्लादेश टीम का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर बौखला गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। फिर भारत पर ही बेईमानी का आरोप लगाते हुए कह दिया कुछ ऐसा, उनके नफरत भरे शब्द सुनकर आप भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार क्यों घिनौनी हरकतों पर उतर आई टीम की हार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री? क्यों भारत पर लगा दिए शेख हसीना ने बेईमानी के आरोप? क्या कुछ कहा उन्होंने भड़काऊ बयान में? वो तो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए असली हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश का भारत दौरा शुरू होने से पहले बांग्लादेश टीम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, वो भारत को भारत में हराएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी सच्चाई से सामना हुआ, टीम इंडिया के खूंखार शेर उनके सामने मैदान में उतरे, उनकी दहाड़ के आगे बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तो पैंट गीली हो गई और उनके बड़े बड़े खिलाड़ी भारत के सामने 3 दिन भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। जी हाँ, चेपाक स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश टीम केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। वहीं जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको हंसी भी आ गई होगी कि बांग्लादेश के लिए यह लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया था। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत जाते जाते भारत की जीत को 99.99% सुनिश्चित कर दिया और बांग्लादेश का मुंह काला कर उन्हें ऐसा बेइज्जत किया कि बांग्लादेशी टीम दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। ऐसे में टीम इंडिया की जीत से करोड़ों हिंदुस्तानी तो खुश हैं, लेकिन अपनी टीम की हार देखकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बेहद निराश नजर आईं। लेकिन फिर उन्होंने टीम इंडिया पर बेईमानी का आरोप लगा दिया और ऐसा भड़काऊ बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग हो गया और इनका बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए, अब हम आपको बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान सुनवाते हैं। भारत पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए शेख हसीना ने बयान दिया और कहा, हमारी टीम के साथ बेईमानी हुई, हम मुकाबला जीत रहे थे लेकिन अंपायर और भारतीय खिलाड़ियों ने जानबूझकर हमारे खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम को गलत आउट कर दिया, जिसके चलते मैच पलट गया, वरना हम इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत सकते थे। 500 रन ज़्यादा नहीं होते, 2 दिन का वक्त था, टीम इंडिया को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, वो अपने घर में ही खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी चलाएंगे। BCCI के डिसीजन से मैं बेहद निराश हूँ, हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड भी बेईमानी कर सकता है। हमारे सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया, इस बेईमानी का बदला हम अगले टेस्ट मैच में जरूर लेंगे और टीम इंडिया को सबक सिखाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के आंखों से भी आंसू छलक आए और टीम की हार पर उन्होंने पौखलाते हुए बयान दे दिया और भारत को बेईमान बता दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने सबसे अहम योगदान दिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अश्विन जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद जब गेंदबाजी करने उतरे भारतीय गेंदबाज तो मैदान पर ऐसा तहलका बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर मचाया कि बांग्लादेश के बड़े से बड़े नाम तो पल भर में चारों खाने चित हो गए और उनका पूरा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो आखिरकार कैसे आकाशदीप और बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज? क्या है मैच का पूरा हाल? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह, रविचंद्र अश्विन और आकाशदीप में से कौन मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो आप सभी को पता है कि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अंतिम सेशन में भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 80 ओवर में 339 रन 6 विकेट पर बना लिए थे, जहां पर रविंद्र जडेजा 117 गेंद पर 86 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं रविचंद्र अश्विन शतक लगाकर 112 गेंद पर 102 रन। जिस अंदाज में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की पारी को संभाला वो देखकर भारतीय खेमा भी काफी खुशी से झूम उठा। हर किसी को अब दूसरे दिन भी इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। जब मुकाबला दूसरे दिन शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे, बांग्लादेश के गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद दोनों खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी 83वें ओवर की पहली गेंद पर तस्कीन अहमद ने रविंद्र जडेजा
जडेजा को लिटन दास के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरे दिन भारत को बहुत बड़ा झटका बहुत जल्द लग गया। रविंद्र जडेजा अपने शतक से चूक गए, 124 गेंद पर 86 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रविचंद्र अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब आकाशदीप आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। आकाशदीप का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, टी20 के अंदाज में रन बना रहे थे। भारत का स्कोर 350 रनों के पार जा चुका था। ये दोनों खिलाड़ी अभी भी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेशी गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। आकाशदीप लगातार चौके लगाए जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देख कर हर कोई हैरान था। बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार विकेट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर टस से मस नहीं हो रहे थे। आकाशदीप और अश्विन दोनों ने भारतीय टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन का पहला सेशन भी भारतीय टीम के नाम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अश्विन और आकाशदीप गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। आकाशदीप ने एक बार फिर अपने बल्ले का मुंह खोला। 88वें ओवर की अंतिम गेंद हसन महमूद को ऐसा चौका जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान हो गए और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। आकाशदीप बेहद ही प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे, टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। उनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री निकल रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी भारत के लिए एक अच्छी पनपती हुई साझेदारी नजर आ रही थी और ये टीम इंडिया के लिए खुशी की बात थी। लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 79वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद ने ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप को शांत हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 8वां झटका 367 रनों के स्कोर पर लग गया। आकाशदीप भारतीय टीम के लिए 30 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आकाशदीप ने भले ही छोटी पारी खेली हो, लेकिन काफी यादगार बना दी, क्योंकि उनके बल्ले से इस मैच में शानदार चौके निकले थे। अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आ चुके थे और मैदान पर आते ही जसप्रीत बुमराह ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया और पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। बुमराह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। बुमराह और अश्विन मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों से भी टीम इंडिया को काफी उम्मीदें थी। अश्विन तो एक तरफ से मैदान पर गढ़ चुके थे, अपना विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 91वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। पहले तो वो इस ओवर में अश्विन को अपनी गेंद से परेशान करते हुए नजर आए और फिर अंतिम गेंद पर अश्विन छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और भारतीय टीम का 9वां विकेट 374 रनों के स्कोर पर गिर गया। रविचंद्र अश्विन भारतीय टीम के लिए 133 गेंद पर 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से 113 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अश्विन के इस यादगार पारी भारतीय खेमा खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी थी। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 92वां ओवर लेकर आए हसन महमूद ने ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को फ्लिप में कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत की पारी को यहीं पर समाप्त कर दिया। टीम इंडिया 376 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश के सामने एक बड़ा टारगेट रख दिया। भारत के लिए दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब हुई। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर सादनाम इस्लाम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी, जिसके बाद मैदान पर कप्तान नजमुल हुसैन संतो आए, अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन नया ओवर लेकर आए भारत की तरफ से आकाशदीप ने ओवर की पहली ही गेंद पर जाकिर हसन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। एक तरफ से कप्तान नजमुल हुसैन संतो मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने अब नए बल्लेबाज मोमिनुल हक आ चुके थे, लेकिन आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी के आगे मोमिनुल हक भी नहीं टिक सके। बिना खाता खोले पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को तीसरा विकेट मिल गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। बांग्लादेश घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। जहां पहले सेशन खत्म होने तक ना तो ओवर में ही बांग्लादेश केवल 26 रन बना पाएगी और उनके केवल 3 बल्लेबाजों को, ये तो आप सभी को पता है कि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अंतिम सेशन में भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 80 ओवर में 339 रन 6 विकेट पर बना लिए थे। जहां पर रविंद्र जडेजा 117 गेंद पर 86 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं रविचंद्र अश्विन शतक लगाकर 112 गेंद पर
दो रन। जिस अंदाज में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की पारी को संभाला वो देखकर भारतीय खेमा भी काफी खुशी से झूम उठा। हर किसी को अब दूसरे दिन भी इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। जब मुकाबला दूसरे दिन शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों का टट कर सामना कर रहे थे। बांग्लादेश